तो भक्त काल की बात है, जब भक्ति भक्त होते थे वृंदावन में, सब भक्त थे, मीराबाई आदि सब यहीं थे, तब एक गूढ़ भक्त था, उसका इतना प्रचार नहीं था। तो शाम को सारे भक्त लगभग कोई सेवा कुंज में, निधि वन में, जमुना तट पर सारे भक्त मिलते थे और झुंड बनते थे भक्तों के, आपस में बैठ के संकीर्तन सत्संग आदि सब चलता था। तो चार पांच भक्तों की मंडली यमुना जी के तट पर बैठी थी। हर भक्त का एक नियम होता था, कल मेरे ठाकुर जी का उत्सव है, तुम सबन को अपने ठाकुर जी लेके मेरे यहाँ आनो है। तो वृंदावन में यही होता रहता था, आज उसके यहाँ उत्सव है, सबके ठाकुर जी जा रहे हैं, महाराज उसके घर उत्सव होगा, वहां पर ठाकुर जी आनंद करेंगे। फिर कल किसी और के यहाँ उत्सव, तो सारे ठाकुर जी वहां जा रहे हैं, घर के ठाकुर जी, मंदिरों के नहीं। तो एक बार एक मंडली के भक्त सब आपस में कर रहे थे, बोले सब ने कही, भाई सबके घर एक एक बार सब कार्यक्रम है, या के घर कभी कोई कार्यक्रम ना भयो। हाँ भाई तेरी कुटिया में कब उत्सव है, हम सबन के ठाकुर जी आमेंगे। तो बोलो मेरी कुटिया में कोई उत्सव मत करो। बोले क्यों, तेरे ठाकुर जी को उत्सव नहीं होगा। बोले मैं अकेलो ही कर लूंगा उत्सव। बोले अरे ये तो गलत बात है, अकेले उत्सव ना हो, भैया उत्सव में समाज बुलाए हो जाए, वैष्णव बुलाए जाए, क्यों ना बुलावे तू सबन को। तो बोले कि कोई ने अगर मेरे ठाकुर जी को देख करके यूं कह दे ये कैसे ठाकुर जी, मेरे चित्त को बड़ी पीड़ा हो जाएगी। कोई कहीं मेरे ठाकुर जी को देख के यूं नहीं कह दे ये कैसे ठाकुर जी। अब तो जैसी उसने ये बात कही तो बाकियों के मन में आ गया, बोले ऐसे कैसे ठाकुर जी। अब तो सब पीछे पड़ गए, बोले अब तो तू अपने घर अपनी कुटिया में हमको बुला, हम तो जरूर आएंगे। और हम सौगंध खा के कह रहे हैं हम बिल्कुल नहीं कहेंगे ये कैसे ठाकुर जी। वहां ने सबसे सौगंध ले ली, सब सौगंध खाओ, तुम में से कोई नहीं कहेगो। सबने सौगंध खा ली, बोले हम में से कोई नहीं कहेगा तू अपने यहां बुला। अगले दिन वाने उत्सव रखो, और उत्सव में वाने सबरे बुलाए। जैसे ही सबने वाकी कुटिया में प्रवेश कियो, चारों तरफ घूम करके बोले भैया सुगंधी तो आ रही है इत्र की, पर ठाकुर जी हैं कहाँ हैं। तो उसने दूर दिखाया तो एक चौकी के ऊपर एक मटका रखा था, मटके पर ही मोंगरा के पुष्प लगे थे, उसी में इत्र लगा था, उसी पर तिलक चंदन आदि रखा था, उसी पर वस्त्र पधराए हुए थे, उसी पर माला चंदन आदि सब था, उसी के सन्मुख बोले ये रहे मेरे ठाकुर जी। अब मटका देख करके ना चाहते हुए सब बोल गए ये कैसे ठाकुर जी। बोले मैंने मना करी तुम लोग मत बोलिए, तुम क्यों बोले। अरे भैया क्षमा कर दे, सब पाम पकड़े, बोले भैया क्षमा कर दे, लेकिन सुन बैठ एक बार बता तो सही है कैसे ठाकुर जी, ये मटका वाले ठाकुर जी कैसे भाई। उसके नेत्र सजल हो गए, बोले भैया हम इतने सौभाग्यशाली तो नहीं है कि हमको श्री राधा रमन लाल की प्रत्यक्ष रज मिल जाए, हम इतने सौभाग्यशाली तो नहीं है साक्षात कुंवर कन्हाई की ब्रजरज मिल जाए, या ब्रज में उनने विचरण कियो लेकिन हजारों लाखों वर्ष पहले कियो, प्रत्यक्ष अभी की ताजा उनकी चरण चिन्ह की रज तो मिल ना सके, लेकिन मैंने सत्संग में सुनो है कि ठाकुर जी को भजवे वारे वैष्णव उनकी चरण रज ठाकुर जी के चरण रज के समान है, तो मैं यही करूं पूरे वृंदावन में विचरण करूं और जहां कहीं से भी वैष्णव निकल के जामे उन सबन की चरण रज लेकर के आऊं और या मटका में भर लूं, उन सबन की रजन को ही अपने श्यामा श्याम के रूप में मान करके या मटका की नित्य पूजा करूं, नित्य सेवा अर्चना वंदना करूं। तब सब बोले यही है ठाकुर जी, यही है असली ठाकुर जी। तो भैया भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्त चरण रज सदा लुभाने, तब जानो गिरधर अपनों करे जाने। तब समझो कि ठाकुर जी ने आपको अपना माना है। क्योंकि बंधुओं देखो, भगवान की भक्ति श्रेष्ठ हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी की भी हो जाएगी। रावण बहुत भक्ति करता था शंकर जी की, आठ आठ घंटे एक आसन पर बैठ करके, दस दस घंटे, चौबीस चौबीस घंटे एक आसन पर बैठ करके, अरे आठ दस चौबीस तो अब के लिए कहा जाएगा, ये सतयुग त्रेता द्वापर के राक्षस तो छह छह सात सात वर्ष तक, सौ सौ वर्ष तक
एक आसन पर बैठ करके भक्ति करते थे। भक्ति हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, देव भक्ति में पुष्टता हो जाना, देव भक्ति में आपका मन लग जाना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान के वैष्णवों में प्रेम होना ये बड़ी बात है, क्योंकि आप जैसे ही किसी के समीप जाओगे उसमें दोष आपको दिखेगा, ये निश्चित है। किसी संत के पास चले जाओ, किसी भक्त के पास चले जाओ, किसी वैष्णव के पास चले जाओ, किसी नाम साधक के पास चले जाओ, किसी नाम जापक के पास चले जाओ, किसी साधन सिद्ध के पास चले जाओ, ब्रजरज उपासक के पास चले जाओ, एक एक अनुमान से ज्यादा उसका संग करने लगोगे उसमें भी दोष दिखेगा आपको। और जहां दोष दिखा नहीं कि आपकी भक्ति नष्ट, ठाकुर जी में दोष नहीं दिखता है, वो ठाकुर जी बेचारे यूं ही बैठे रहेंगे, कछु खवाए दो खा लेंगे, कछु पहनाए दो पहन लेंगे, जहां ले जाओ चले जाएंगे। लेकिन भगवत भक्त वैष्णवों की सेवा में तो बड़े नियम है भैया, वहां दोष उत्पन्न ना हो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो हो ही जाएगा। इसलिए वैष्णव भक्त होना बड़ी कठिन बात है, पर यदि हो गए तो समझ जाना ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया है, आपको अपना लिया है। तो ऐसे भैया इस प्रकार से